सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी मैं जा रहा हूँ नैनो को सर्विस पे लेके और उसमें जो जो प्रॉब्लम्स हैं मैं वो आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या प्रॉब्लम्स गाड़ी में अभी आ रही हैं। तो मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि मैं सर्विस के लिए इतना हड़बड़ी में क्यों गया, क्योंकि लगभग अभी 60,000 की सर्विस हो चुकी थी गाड़ी की, फिर भी मैं अभी 63 लगभग चली है गाड़ी, 2-3 महीना खड़ी रही है गाड़ी, तो उसके कारण कुछ ट्रबल्स आए हैं गाड़ी में, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। प्रॉब्लम से सबसे पहले तो मैं एक्सटीरियर की अगर बात करूं तो एक्सटीरियर में ये राइट साइड का जो व्हील रिम है आप देख सकते हैं इधर से बेंड हो गया है, बहुत जबरदस्त तरीके से बेंड हुआ है। आप इधर देख सकते हैं ये 3-4 जगह से ऐसे बेंड हुआ है और सामने वाला भी जो है ये वाला व्हील रिम भी आउट हो गया है अपने उससे, क्योंकि क्या हुआ था कि मैंने अभी नागपुर से आते समय गड्ढे में 3-4 पर बहुत जोरदार तरीके से घुराया गाड़ी, तो उसके कारण व्हील रिम जो है वो बेंड हुआ है और इसमें गाड़ी की गलती नहीं है, इसमें मेरी ड्राइविंग की गलती थी। दूसरा एक चीज़ और हो रही है कि आप इधर देख सकते हैं कि एसिड रेन की वजह से जो है ये मिरर थोड़ा सा काला टाइप का हो गया, ब्लैकिश हो गया। और एक और चीज़ आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे अगर आप देख सके तो आपको ये अलग से लाइनिंग दिख रही होगी, ये पेंट प्रोटेक्टर उड़ रहा है गाड़ी का, मतलब जो एक शाइनी ग्लॉसी फिनिश रहती है पेंट के ऊपर पे, तो वो एसिड रेन की वजह से झड़ रही है पपड़ी बन के। इधर भी देख सकते हैं वही सेम प्रॉब्लम हुई है यहाँ पे भी। ये तो अब एक्सटीरियर की प्रॉब्लम हो गई, बाकी इसकी जो नॉर्मल सर्विस होने वाली है, जैसे कि मेरा जो गाड़ी में था वो कूलेंट ड्राई हो गया था, तो मैंने सिर्फ और सिर्फ उसमें पानी डाल दिया नॉर्मल वाला, तो अभी कूलेंट डलवाना है, इंजन ऑयल चेंज करवाना है और एक फैन बेल्ट रहता है उसको चेंज करवाना है। तो और दूसरी एक और प्रॉब्लम ये हो रही है कि इसकी जो लॉक्स हैं ये वर्क नहीं कर रहे हैं, मतलब अगर जैसे मैं इसको सेंट्रल लॉकिंग से लॉक करता हूँ तो कभी कभी सारों चारों के चारों काम करते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है सिर्फ ये सिंगल काम करता है और वो लॉक होके वापस ओपन हो जाते हैं। मैं जैसे कि आपको दिखाता हूँ एक बार, देखिए अभी लॉक होने पर सिंगल ये लॉक हुआ है, बाकी कोई लॉक नहीं हुआ है और यही अभी सिंगली वर्क कर रहा है, उनको मैन्युअली बंद करना पड़ता है, नहीं तो वो कभी कभी लॉक होके ओपन हो जाते हैं। ये एक प्रॉब्लम हो गई। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि अभी नागपुर में कुछ बहुत दिन पहले अभी बहुत तेज बारिश हुई थी, एक जगह पे पानी भरा था, तो मैंने वहां से निकाला तो यहाँ पे जो है पानी भर चुका है, बहुत जबरदस्त पानी भर चुका है। तो मैं आपको उस साइड से दिखाता हूँ कि मैंने सोचा कि इसको मैगट निकाल के थोड़ा सा इसको सुखा दिया जाए तो सूख जाएंगे, मैंने पेपर वेपर भी डाल के रखे गाड़ी में, बट हुआ कुछ नहीं। कारण ये था कि इसके नीचे ये देखिए मैंने पेपर वेपर भी डाल के रखे लेकिन ये नहीं सूखा। इसका कारण ये था कि आप इधर से देख सकते हैं ये इतना मोटा ये फैब्रिक है, तो अब ये इसको तो निकाल के पूरा सुखाना पड़ेगा और इधर पे पूरा कीचड़ ईचड़ सब जमा हो गई है। अब जैसे कि इधर देख सकते हैं पूरी कीचड़ जमा हो गई है, तो अब इसको अच्छे से पूरा निकाल के साफ करेंगे मैट को, तो अब देखते हैं कितना खर्चा आता है गाड़ी में, क्या आता है। और इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि आपको बता दूं कि किस तरीके का कितना खर्चा गाड़ी में अभी आ रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं टाटा मोटर्स और टाटा मोटर्स जाके देखते हैं कि क्या क्या वो बताते हैं एस्टिमेशन, क्या क्या टेस्टिंग होती है। और अभी मैं ये वाला बैग लेके आया हूँ जिसमें सारा गाड़ी का जितना सामान है सबको मैं समेट के रख पाऊँ, तो चलिए चलते हैं टाटा मोटर्स। अगर आप ऊपर पे देख पाए तो नागपुर की मेट्रो दिख रही होगी आपको यहाँ से। जैसे कि अभी आपने देखा ये वाला लॉक हुआ, बाकी सब जो है लॉक होके वापस ओपन हो गए,
तो ये प्रॉब्लम बार बार आ रही है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा क्यों आ रही है। मैंने मतलब टाटा मोटर्स को जब कॉन्टैक्ट किया तो उनका कहना ये था कि ये जो प्रॉब्लम है ये मॉड्यूल के कारण आ रही है, मॉड्यूल में कुछ मतलब कनेक्शन ढीला हुआ है। तो अब देखते हैं क्या बता रहे हैं, क्योंकि टेलीफोनिक ज्यादा कुछ समझ में तो आता है नहीं। जैका मोटर्स टाटा मोटर्स की सर्विस पे आ चुके हैं, सर्विस पे लॉक हो के बार बार ओपन हो जाते हैं। तो ये लॉक हो रहा है, बाकी तीन हो ही नहीं रहे। फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, सब इसका वो फॉलोअर का इशू रहा तो फिर अपने इधर नहीं हो पाएगा वो, और अपने इधर का लॉक का जो ओरिजिनल लॉक है उसका प्रॉब्लम रहा तो अपन कर लेंगे। फॉलोअर मतलब जैसे कि इसमें कैसा ये रिमोट, उसमें फॉलोअर लॉक में फॉलोअर लगाया हुआ, एक फॉलोअर रहता है जो बटन दबाने पर उसको लॉक का जो वो गन जो रहती है ना, तो वो गन की क्या, देखिए मैं बता रहा हूँ आपको, जहाँ तक कि इसकी वजह से वो बाकी इसमें एक्टिव हो गए। क्योंकि देखिए पहले तो ये काम कर रहा था ठीक है, और ऑब्वियस है कि ये बाहर वाले की वजह से तो प्रॉब्लम है ही नहीं, इसीलिए नहीं है क्योंकि यार जब ये लॉक हो रहा है वो लॉक होके ओपन क्यों हो रहे थे। ये लॉक होके ओपन क्यों हो रहे हैं, मतलब ये ऑब्वियस है कि इसकी गड़बड़ नहीं है, पकड़ के छोड़ रहा है वो। और ये पता भी है, ये प्रॉब्लम पता नहीं कुछ दिनों से आना चालू हुई है और हुआ गया है। इससे पहले जो है ना इसमें अपन ये याद है लॉक वाला काम कराए थे, ये इसकी वो चेंज हुई थी, पूरा लॉक सेट चेंज हुआ था इसका, कुछ तो भी किए थे दरवाजा खोल के आपके सामने की। हाँ उसमें ये वाला लॉक काम नहीं कर रहा था, बाकी तीन कार रहे थे वो नहीं कर रहा था। ठीक मैं दिखाता हूँ, इसको दिखा लीजिए, सामान निकालो ना। हाँ मैं सामान निकाल लेता, आपका ये है ना माउथ निकलता है वो निकाल लो, ये सब निकाल लो, ये इसमें कुछ रखो मत, तो मेरे को पूरा खोलना पड़ेगा ना। हाँ हाँ ठीक है ना, आपका जो बच्चे सामान है सब निकाल लो। ठीक है ठीक है। दूसरा भैया ये सीट कवर तो गंदे नहीं होंगे, मतलब जैसे भी निकालेंगे तो नहीं नहीं वो क्या है नीचे में नटबोल्ट रहते ना। हाँ। तो पूरी नटबोल्ट खोल के सीट पूरी बाहर ले लेते वो। अच्छा अच्छा, उसको साइड में सेफ्टी में रख देते। अच्छा अच्छा, पूरा कारपेट निकाल लेता वो, कारपेट निकाल के सीट भी गाड़ी में डाल लेते। अच्छा फिर भी कितना खर्चा आता होगा इसमें बता दो ना। जैसे कि टाटा मोटर्स वालों ने बोला मैं सारा सामान गाड़ी में से निकाल लेता हूँ, नहीं तो पता चला सही में कुछ गायब हो जाएगा तो बड़ा दिक्कत हो जाएगी मेरे को। सारा सामान निकाल के बैग में रख के मस्त लेके जाऊँगा। तो अभी भैया चेक कर रहे हैं गाड़ी में कि इसको क्या करके सुखाया जा सकता है, कैसे सुखाया जा सकता है, अगर बिना सीट निकाले पॉसिबल है कि नहीं है वो देख रहे हैं भैया। तो अभी देख के बताएंगे कि अगर पॉसिबल होगा तो बिना सीट निकाले वाला ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा सीट निकाल के फिर मैट निकालने वाला। तो अभी बताएंगे कि क्या क्या करते भैया इसमें, बताओ ना थोड़ा सा, मतलब जैसे अगर इसको ये साफ वाफ करते हैं तो ये पूरा सीट कारपेट पूरा निकालते हैं। हाँ। इसको डेटॉल से पूरा धोते हैं क्योंकि दो दो महीने सूखता नहीं। अच्छा अच्छा, क्योंकि उसके अंदर कपड़ा रहता है एक फोम वाला। हाँ हाँ। वो लंबा बोलते हैं उसको, वो दो दो महीने नहीं सूखता। अच्छा अच्छा, तो कितना टाइम लग जाता है मतलब जनरली, धूप के ऊपर है। तो ये कुछ काम बताया है इनने, जैसे कि ये पूरे काम बताया, इनकी हैंडराइटिंग मेरे भी समझ में नहीं आ रही है क्या क्या है। इनने लगभग 5,700 रुपए का जो है इनने एस्टिमेशन कॉस्ट दिया है। तो अभी तो मैं जा रहा हूँ, कभी इनने बोला कि ये जो कारपेट वाले काम है इसमें 3 से 4 दिन लग जाएंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं बारिश का मौसम बन रहा है एकदम, तो सूखने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। पूरे कारपेट को निकालेंगे, सीट ईट सब निकालेंगे, उसके बाद जो नीचे जो फ्लोर कारपेट है उसको निकाल के सुखाएंगे, और उसके बाद में डेटॉल से साफ करेंगे जिससे कि इसमें स्मेल ना आए। और तो अभी हम नैनो को बाय बाय बोल के जा रहे हैं।
शायद चार पांच दिन बाद मिले। तो ओला बुक कर देते हैं अभी, मनीष भाई ओला बुक कर रहे हैं। तो अभी हम ओला से नहीं जा रहे हैं, टाटा मोटर्स वाले बोले कि हम आपको ड्राइवर भेज देते हैं आप ही की गाड़ी में और वो गाड़ी लेके वापस आ जाएगा आपको ड्रॉप करके। तो हम अभी ओला को कैंसिल करा रहे हैं। छोड़ दिया टाटा मोटर्स पे क्योंकि मेरा अपॉइंटमेंट नहीं था, इसलिए काम आज तो चालू नहीं होगा। फिर भी भैया ने, मतलब जो मेरे सर्विस एडवाइजर है, उनने ये बोला कि जो जो काम आज हो पाएगा मैं करवा दूंगा, बाकी जो आपका मैट वाला काम है वो कल ही हो पाएगा। तो वो अभी मेरे को घर पे ड्रॉप करवा देंगे और उसके बाद में कल मैं आऊँगा वापस गाड़ी में, क्या काम हो रहा है उसको देखने के लिए। तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए मेरे साथ में, स्टे ट्यून टू ऋतिक दीक्षित क्रिएशंस। आपके लिए ऐसी वीडियोस मैं लाते रहूँगा, कार से रिलेटेड वीडियोस और कार रिपेयर से रिलेटेड वीडियोस, कार रिव्यूज सब लाऊंगा आपके लिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए जिससे कि मेरी वीडियोस जैसे ही अपलोड हो तुरंत आपको मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, दिस इज ऋतिक दीक्षित साइनिंग ऑफ एंड हैव अ नाइस डे अहेड। मनीष पता है मैं अभी पहली बार नैनो में पीछे की सीट पर बैठा हूँ। ऐसे चला रही है भैया। आपकी हाइट कितनी होगी? मेरी 5'11" 6'11" अच्छा 6 के आसपास, क्योंकि आपका सर एकदम तो वहाँ तक। नैनो में बैठना उतरना आसान है।